वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेज श्रीलंका। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में वर्ल्ड कप ओडीआई का मैच नंबर जो है 4 खेला जाएगा। ये मैच जो है दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होगा। अरुण जेटली स्टेडियम जो है दिल्ली के वेन्यू पे मैच होने वाला है। पूरा स्टैट्स आपको बताएंगे, एक एक प्लेयर का बारे में आपको जो है जानकारी देंगे। तो बड़े भाई वीडियो को यार पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो से जानने के लिए मिलेंगी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है कि भाई टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्री टीम्स, फ्री गिववे, मैच अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, वहाँ से जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम जो है दिल्ली के पिच रिपोर्ट की। तो देखो यहाँ की जो पिच है बैटिंग के लिए जो है अच्छी जानी जाती है। यहाँ पर स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों को लगभग इक्वल विकेट्स देखने के लिए मिलते हैं। पेसर्स जो कि फास्ट बॉलर होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है एडवांटेज यहाँ पर जो है पाते हैं। वेदर जो है सनी रहने वाला है, यानी कि बारिश के चांसेस नहीं है। फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर आप देखोगे 286 का है। और फाइनल पिच रिपोर्ट ऑफिशियल जो आएगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर फाइनल पिच रिपोर्ट जो है देखने के लिए मिलेगी। अब वेन्यू पे देखते हैं। वेन्यू पे अगर आप देखोगे टोटल जो है 25 ओडीआई मैचेस हुए हैं, 230 रन एवरेज स्कोर है। 12 बार यहाँ पर बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 13 बार यहाँ पर बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। 200 से नीचे का स्कोर 7 बार बना है, 200 से 250 के बीच में 8 बार स्कोर बना है, 250 से 299 के बीच में 8 बार और 300 से ऊपर यहाँ पर 2 बार स्कोर बना है। इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे हाईएस्ट स्कोर 330 रन है। लोवेस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो 99 रन यहाँ पर लोवेस्ट स्कोर है, जो कि साउथ अफ्रीका का ही यहाँ पर लोवेस्ट स्कोर है। वेन्यू पर अगर आप देखोगे लास्ट मैच जो खेला गया था इसमें ये मैच था, यहाँ पर इंडिया की टीम ने जो है 7 विकेट से मैच विन कर लिया था। काफ़ी जो है लो स्कोरिंग मैच था। उसके पहले आप देखोगे बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 6 रन से विन किया है, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 35 रन से विन किया है, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने 48 रन से विन किया है। विकेट्स अगर आप देखोगे ना 19 विकेट गिरी है इस मैच में, इस बीच में 13 विकेट, इस मैच में अगर आप देखोगे 19 विकेट और इस मैच में देखोगे तो 17 विकेट गिरी है। तो विकेट्स भी इस वेन्यू पर गिरती है, ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करूं तो साउथ अफ्रीका और जो है श्रीलंका के बीच में टोटल जो है 80 गेम हुए हैं। 80 में से अगर आप देखोगे 45 बार साउथ अफ्रीका की टीम ने विन किया है, 33 बार जो है श्रीलंका की टीम ने विन किया है। तो नो डाउट यहां पर साउथ अफ्रीका ऑन पेपर जो है काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर आप इनका लास्ट हेड टू हेड देखोगे तो भाई श्रीलंका ने 78 रन से मैच जो है विन किया था। श्रीलंका की टीम ने 203 रन किए थे और साउथ अफ्रीका की टीम जो है 125 रन ही जो है कर पाई थी। प्लेइंग 11 की बात कर लें, सबसे पहले श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखते हैं। पिन इसका के साथ में कौशल परेरा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे कौशल मेंडिस हैं, उसके बाद सदीरा समर विक्रमा है, फिर यहाँ पे चरता असलंका है, डेडी सिल्वा हैं, उसके बाद दसुन सनाका है, दुनित मेंगीले है, महेश प्रतीक्षाना है और यहाँ पे महेश जो है मथीसिस पथिराना है। तो ये जो है श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 है। इनके जो है लास्ट के अगर आप देखोगे 5-5 मैचेस के हमने जो है यहाँ पर जो है इनके स्कोर कार्ड लिखे हुए हैं, जो लास्ट 5 मैचेस के जो है इनके लिए गए हैं। अब प्लेयर के स्टैट्स की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो पी निसाका ने हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में कोई मैच नहीं खेला है। कौशल परेरा ने 14 मैच खेले हैं, 384 रन किए हैं, तो अच्छा स्कोर बोल सकते हो। कौशल मेंडिस ने भी 17 मैच खेले हैं जिसमें 438 रन किया है, अच्छा जो है आप बोल सकते हो। सदीरा समर विक्रमा ने कोई मैच नहीं खेला है हेड टू हेड में। चरता श्रीलंका ने 7 मैच खेले हैं, 188 रन किया है। डीडी सिल्वा ने 16 मैचेस में 384 रन किए हैं और 9 विकेट भी निकाले हैं। वेन्यू पर आपको जो है रिकॉर्ड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा इन प्लेयर्स का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है दसुन सनाका की। दसुन सनाका ने 5 मैच खेले हैं, 135 रन, 1 विकेट भी लेकर गए हैं। महेश दीक्षाना ने ये अगर आप देखोगे तो एक ही मैच खेला है जिसमें जो है 4 विकेट निकाले हुए हैं। और लिहरू कुमारा ने 7 मैच खेले हैं जिसमें जो है इन्होंने 7 विकेट लिए हुए हैं। तो ये प्लेयर्स के स्टैट्स थे। अब साउथ अफ्रीका टीम की हम जो है प्लेइंग 11 देखते हैं। टेम्बा बोमा के साथ में क्वांटन डिकॉक आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे मकरम है, उसके बाद बारडेन हुसैन है, फिर डेविड मिलर हैं, हेनरिच क्लासन है, मार्को जेंसन है, केशव महाराज है, कगिसोर अबाडा है और लुंगी निगड़ी है। तो ये साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 है। यहाँ पर इनके भी अगर आप देखोगे लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो इससे आपको जो है काफ़ी आइडिया जो है लगेगा, आप जो है ये नोट डाउन कर सकते हो। हेड टू हेड की रिकॉर्ड की बात करें टेम्बा बोमा ने अगर आप देखोगे श्रीलंका के अगेंस्ट में एक ही मैच खेला है जिसमें 38 रन किया है। क्वांटन डिकॉक ने 24 मैच खेले हैं जिसमें 1119 रन है। मकरम ने 8 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट मिले हैं, 238 रन है। आर वारडेन हुसैन ने अगर आप देखोगे 7 मैच खेले हैं, 192 रन किया हुआ है। डेविड मिलर ने 17 मैचेस में 447 रन, हेनरिच क्लासन ने 5 मैच में 121 रन किया हुआ है। वेन्यू पर भी इनके जो है आप रिकॉर्ड यहाँ पर जो है देख सकते हो, हमने जो है वेन्यू पर भी इनके रिकॉर्ड लिखे हुए हैं।
बाकी इसके बाद मार्को जेंसन ने हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है। केशव महाराज ने 5 मैच खेले हैं जिसमें 8 विकेट निकाला है, बढ़िया रिकॉर्ड है। कगिसो रबाडा ने 18 मैच खेले हैं जिसमें 28 विकेट निकाले हैं, तो हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट लेकर जाते हैं। लुंगी निगड़ी ने 9 मैचेस खेले हैं जिसमें 18 विकेट निकाले हैं, हर मैच में लगभग 2 विकेट लेकर जाते हैं। तबरेज़ शम्सी ने 9 मैचेस खेले हैं जिसमें 16 विकेट लेकर गए हैं, तो भाई ये भी जो है अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इन प्लेयर्स के। बाकी इस वेन्यू पर भी रिकॉर्ड जिन प्लेयर्स का अवेलेबल है वो भी हमने लिखा है, तो वो भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब हम बात करें अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की, तो देखो यार ड्रीम इलेवन टीम में आप जो है यहाँ पर सीवीसी जो है आप रिवर्स कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने जो है साउथ अफ्रीका को फेवरेट करके जो है टीम क्रिएट करी है। हेनरिच क्लासन है हमारी टीम में, क्वांटन डिकॉक है, कौशल मेंडिस है, वार्डर डुसेन है, टेम्बा बोमा है, इनकी जगह पे किसी और प्लेयर को आप प्रेफर कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर मैं बोलूँगा महेश पथिराना को जो है आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो, काफ़ी यूनिक बॉलिंग करते हैं, उनको अपनी टीम में आप प्रेफर कर सकते हो टेम्बा बोमा की जगह पे। उसके बाद अगर आप देखोगे पी निशाका है, मार्को जेंसन है, मकरम है, डीडी सिल्वा है, कगिसो रबाडा है, तिक्छाना है। अब आपको बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी मिलती है, डीडी सिल्वा और मकरम, ये आपको जो है अच्छी ऑप्शंस मिलती है, इनको भी आप सीबीसी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप चाहो तो क्वांटन डिकॉक को कैप्टन कर सकते हो, कौशल मेंडिस को वाइस कैप्टन या फिर रबाडा को वाइस कैप्टन कर सकते हो। फाइनल टीम देखने के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल मेरे भाई आप जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का। गाइस वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।